दोस्तों ये एक्सल 100 है और अक्सर हमारे साथ क्या होता है ना कि सीट खोलने के लिए कुछ भी काम रहता है हमें, सीट खोलने के लिए सीट कवर चेंज करना या कुछ यहाँ से रिलेटेड कुछ काम रहता है हमें, तो ये खराब हो जाता है या इसका चाबी गुम हो जाता है, तो सोच में पड़ जाता है कि इसे हम खोले कैसे। ये लॉक है, देख रहे हैं ये लॉक है, तो हम लोग सोच में पड़ जाते कि कैसे खोले इसको बिना चाबी के। चाबी गुम हो गई या लॉक खराब हो गया तो कैसे इसे बिना चाबी के कैसे खोलेंगे, ये मैं आपको आज बताऊंगा। देख रहे हैं नहीं खुल रहा, लॉक है पूरा, चाबी नहीं है इसका। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये काम कैसे करता है। इस जगह पे एक पत्ती रहता है जो कि सीट में लगा हुआ रहता है, इस तरह का लॉक रहता है, और यहाँ पर एक पिन रहता है जो कि इसे लॉक करता है। वो पिन को हम ऐसे करके चाड़ेंगे ना, ऐसे करके हम उसे पुश करेंगे तो वो खुल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खोल कर कैसे खुलेगा। तो इसे खोलने के लिए हमें दो स्क्रू ड्राइवर चाहिए, एक छोटा एक बड़ा, देख रहे हैं एक छोटा एक बड़ा, ये दोनों को मदद से ही हम खोलेंगे। तो चलिए हम खोल के दिखाते हैं आपको कैसे खोलना है। ये देखिए लॉक है। अब हम इस पेचकस की मदद से, यहाँ पर पेचकस, ये छोटा पेचकस है तो यहाँ घुस जाएगा। चलिए इसे हम पलट लेते हैं और यहाँ चला जाएगा, और यहाँ जाकर हम इसे पुश करेंगे। यहाँ पे जो लगता है ना लॉक, उसे हम पुश करेंगे इस तरह। इसे इस तरह पुश करेंगे और एक पेचकस को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, इसे उठाने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसे पुश कर लेते हैं यहाँ से। देख रहे हैं ये लॉक ही है, और हम इसे यहाँ से पुश करेंगे इसे। ये खुल गया। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये खुलता कैसे है। देख रहे हैं यहाँ पर एक पिन है, यहाँ पर देख रहे हैं एक पिन है, मैं लाइट दिखा के दिखाता हूँ आपको। देख सकें यहाँ पर एक ठो पिन आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ से हम इसे पुश करेंगे, ये पेचकस से हम इसे अंदर पुश करेंगे। देख रहे हैं ये पुश हो रहा है, ये यहाँ से पुश हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ से पुश हो रहा है। इसे पुश करेंगे और ये जो इसमें लगा हुआ रहता है ये इसे छोड़ देगा। देख रहे हैं ये वाला, ये भाग को पुश करेंगे, है ना। ये भाग को पुश करेंगे, देख रहे हैं पूरा पुश हो रहा है। ये लॉक जाकर उसी में फंसता, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ करके। देख रहे हैं मैंने इसे फिर से लॉक कर दिया है, यहाँ लॉक हो गया है, देख रहे हैं लॉक हो गया। अब हम इसे इस जगह पे पुश करेंगे, देख रहे हैं इस जगह पे हम पेचकस से पुश करेंगे। चलिए मैं इसे स्टैंड पे लगा लेता हूँ, यहाँ से इसे पुश करना है। खुल गया ये, तो खुल गया ये, इतना आसान भी नहीं खोलना इसे, मतलब मुश्किल भी नहीं इसे खोलना, आसानी से खुल गया बिना लॉक तोड़े हुए। इसे खोलना चाहते हैं तो इस तरीके से आप खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।